हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे कि हॉपर में जो कंक्रीट होता है बैगिंग में या डायफ्राम वॉल में, तो हॉपर का कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। समझ गया? तो आज अपना रहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हॉपर, मतलब एक हॉपर में कितना एमक्यू कंक्रीट जाएगा उसको हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये देख रहे हैं, मैंने प्री कैलकुलेशन में सब चीज़ें बना रखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सेक्शन वन है, जो यहाँ से लिया है मैंने, ये सेक्शन वन है। ठीक है, ये जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का कोई ये कॉनिकल शेप होता है, कोई ये नीचे ये सॉलिड होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे थ्रेड रहता है जो ट्रिमिंग जाता है। तो जनरली क्या आ गया, एक पार्ट, दो पार्ट और ये तीन पार्ट। ठीक है, 1 2 3, बट तीसरा में क्या, यहाँ डिस्चार्ज प्लेट लगाया जाता है, इसके लिए थर्ड पार्ट को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जनरली में पार्ट वन और पार्ट टू कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसको हम लोग अलग अलग देखते हैं तो ये एक बनेगा पार्ट वन और ये हो गया पार्ट टू। इसका हमने डायल लिया है जो कैपिटल आर वो है 1.5 और स्मॉल आर जो है वो है 0.200 mm। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1500 mm है और ये 0.2 mm है, 0.2 है तो मीटर में ले लें तो। ठीक है, ये भी 0.2, ठीक है, 1 मीटर है इसका हाइट और इसका 0.2 है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट को कैसे कर सकते हैं, एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इनटू एच कर देंगे, हो गया पाई का वैल्यू पुट किया, आर का वैल्यू पुट किए, आर देखो ये कैपिटल आर है, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू पुट किया तो ये निकल गया हमारा फर्स्ट का। ओके, और वैसे ही सेकंड का फॉर्मूला है पाई पाई इंटू एच बाई 3 आर वन स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब कैपिटल आर वो अपना ये वाला हो गया। ओके, ये वाला पकड़ लो कैपिटल आर। ओके, तो इसका रेडियस निकाल दी, ये डाया है एक्चुअली, सॉरी कैपिटल आर है, ये डाया है, डाया को अगर करोगे तो 0.75 आएगा, ये कैपिटल आर आएगा। ठीक है, रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1500 / 2 करो 750। ओके, तो ये वाली चीज किया हुआ है, शॉर्टकट लिखा तो उसका आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये चीज हो गया। ठीक है, इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीज पाई का वैल्यू लग दिए, हाइट जो इसका एच है, एच कितना बता रहा था, जो ये है एच, एच 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर हमने ये डाल दिया, 3 पॉइंट, ये कैपिटल आर, मतलब इसका जो है कैपिटल आर का जो निकला अपना वो हो गया, स्मॉल आर का एक अपना 0.1 आ गया, इसका प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज अपना आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन किया हुआ है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो फिर तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड का आएगा 0.6792। ठीक है, फिर जो हमारा वॉल्यूम निकालने का है तो क्या करेंगे, V1 + V2, V1 = ये वाली क्वांटिटी और V2 = ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, दोनों का समेशन करेंगे तो 1.03 mq आएगा अपना पूरा, मतलब एक हॉपर में इतना mq कंक्रीट जाएगा। अभी अगर आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन है तो देखो, हॉपर में जब ऐसे देखो ना, तो ऐसे ये कैपिटल आर हो गया, इसके अंदर ही ऊपर से अगर टॉप व्यू देखते हो तो ये हो गया हॉपर। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला वगैरह सब लिख दिया, अगर आपको इससे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके। इसका एक और फॉर्मूला आता है, ठीक ना, ये वाली चीज को निकालने का एक और फॉर्मूला आता है, ये जो है इसको निकालने का एक और फॉर्मूला आता है, वो भी उससे भी सेम ही क्वांटिटी आता है, इसलिए थोड़ा फास्ट है, इसके लिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलो लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई।